हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन 6s के लिए नया अपडेट रोल आउट किया गया है एप्पल की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरा आईफोन 6s 16 GB वाला वेरिएंट है जो कि मैंने नया अपडेट इंस्टॉल कर लिया है। उसका सॉफ्टवेयर वर्जन है 15.7.5। सो एप्पल का इस अपडेट को रिलीज़ करने का बेसिक क्या मोटिव था और आपको फुल डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हो, सेटिंग्स में चलते हैं तो यहाँ पर आपको मैं अबाउट में लेके चलता हूँ, तो मैं आपको फुल डिटेल दिखाता हूँ अपने फ़ोन की। 15.7.5 इसका सॉफ्टवेयर वर्जन जो कि मैंने अपडेट कर लिया है आईफोन 6s, और यहाँ पर अवेलेबल स्पेस जो है इसकी अभी 82.87 GB शो कर रहा है और मॉडर्न फर्मवेयर 9.61.00 GB शो कर रहा है। ओके, सो कुछ कंपेयर करेंगे पिछले अपडेट से रिगार्डिंग। सो सॉफ्टवेयर वर्जन यहाँ पर के ऊपर क्लिक करेंगे, 19H332 बिल्ड नंबर शो कर रहा है। पहले बिल्ड नंबर था 19H321। अगर मैं आपको दिखाऊं तो फुल डिटेल में फोटोज़ मैंने स्क्रीनशॉट कुछ ले रखे थे। अभी आप देख सकते हो 15.7.4 से मैंने अपडेट किया था 15.7.5 में। पहले इसका बिल्ड नंबर था 19H331, अब जो हो गया है वो 332 हो गया है। अवेलेबल स्पेस पहले थी 2.86 GB, अब जो है अवेलेबल स्पेस आई थिंक सो कम हो गई है। सो लेट मी शो यू फर्स्ट अवेलेबल स्पेस, अब हो गई है 2.88 GB। सो पहले जो थी अवेलेबल स्पेस 200 MB इसकी फ्री हुई है। ओके, सो मॉडर्न फर्मवेयर जो है 9.61.00 है, पहले भी 9.61.00 ही था। सो मॉडर्न फर्मवेयर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब हमें कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा। सो इस चीज़ को तो चलो फिक्स हो गया, बढ़िया बात यह है कि इसका जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो चेंज नहीं हुआ। सो इससे क्या होगा कि हमारा जो आईफोन के नेटवर्क्स हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं आई। सो ऐसा नहीं है कि अच्छी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि नए अपडेट्स आते हैं, मॉडर्न फर्मवेयर चेंज होता है तो हमें नेटवर्क रिगार्डिंग कोई इशू होने लगता है। सो उस चीज़ के लिए मैंने ये बोला कि सही है, ठीक है। ओके, सो अब कुछ चीज़ों की बात करें बैटरी हेल्थ की, तो मेरी बैटरी हेल्थ 100% थी, अभी भी 100% ही है, आप चेक कर सकते हो। सो ये जो अपडेट है मैंने 4:30 बजे के आसपास इंस्टॉल करने के ऊपर सेट किया था, और अब जो है 5 बजने से 5 मिनट पहले फ़ोन ऑन हो गया था। इस अपडेट का जो साइज़ वो मैं आपको दिखा दूँ कितना आपको आएगा, वो सब अपडेट का जो साइज़ है वो 131 MB के आसपास इसका जो साइज़ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ सिस्टम डेटा 3.76 GB का था, सो अब जो सिस्टम डेटा एक बार मैं आपको चेक करवा दूँ। सो अब मैं आपको बताऊँगा, सो सिस्टम डेटा सबसे पहले लोड हो रहा है तो चेक कर लेते हैं एक बार। सो अब बात करते हैं कि इस फ़ोन का जो अपडेट आने का कारण क्या है। आप जानते हैं कि जो 16.4 का जो पैच अभी रिलीज़ किया गया था, 16.4 जो अपडेट दूसरे डिवाइसेस को आया है, सेम वही पैच जो है इन फ़ोन्स के लिए देखने को मिला है। सो सिक्योरिटी वाइज इशू इसको था, सो उसको फिक्स किया गया है। सो इसको ज़रूर इंस्टॉल करना है। बैटरी आप चेक कर सकते हो, पहले आईफोन मेरे की पहले स्टार्टिंग में ही 31 थी और अभी भी 31 ही चल रही है। सो क्या इम्प्रूव्ड बैटरी बैकअप और क्या इम्प्रूव्ड अपडेट्स आ रहे हैं इस बार बिना फ्लॉलेस के। सो आई होप गाइज आपको ये जो रिव्यू है पसंद आया होगा। बाकी डिटेल रिव्यू आगे आने वाले कुछ दिनों में करेंगे। आईफोन 6s के लिए 15.7.5 कैसा चल रहा है आगे आने वाले कुछ 4-5 दिनों में आपको वीडियो बनाकर दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बताऊंगा उसको फिक्स कैसे करना है, आपसे शेयर करूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।